रनवे 34। तो ये कहानी एक प्लेन के लैंड होने और उसके बाद उस प्लेन के पायलट पे हुए इन्वेस्टिगेशन की। तो फिल्म की कहानी काफी अच्छी है, VFX भी आपको ओके दिखेगा क्योंकि फिल्म का बजट भी कोई खास नहीं था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है विक्रम खन्ना के साथ, जो कि एक पायलट होते हैं जिन्होंने लगभग 16,000 घंटों से भी ज्यादा फ्लाइट को फ्लाई किया होता है। और इनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, यानी कि जिस चीजों को एक बार देख लेते हैं उन चीजों को ये दोबारा नहीं भूलते। विक्रम दुबई में होता है क्योंकि इसकी कल फ्लाइट होती है। विक्रम का दोस्त इसे कॉल करता है और उसे पार्टी करने के लिए बुलाता है। विक्रम पहले तो मना करता है लेकिन बाद में चला भी जाता है। विक्रम रात भर पार्टी करता है और दिन में सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता। उसकी आंखें लाल हो जाती है और इसे छिपाने के लिए काला चश्मा पहन लेता है। शाम को इसकी फ्लाइट है इसलिए ये एयरपोर्ट पे चला जाता है। आज विक्रम के साथ फ्लाई करने वाली होती है तान्या अलबरका की। तो फ्लाइट उड़ान भरती है कोची के लिए। उड़ान भरने से पहले ग्राउंड क्रू से गलती हो जाती है और गलती ये होती है कि प्लेन में उनको भरना होता है 16,000 kg फ्यूल, लेकिन ये लोग भर देते हैं 16,000 pounds, जिसकी वजह से प्लेन कम ही फ्यूल के साथ फ्लाई करता है। प्लेन में होते हैं 150 पैसेंजर्स और उसी पैसेंजर्स में से होते हैं कैरी मिनाती। यहाँ पे इनको रोल दिया गया है ब्लॉगर का और वो अपने ही अंदाज में यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं। कुछ खास इनके एटीट्यूड के साथ चेंज नहीं किया गया है। फ्लाइट में तान्या देखती है कि विक्रम थके थके से लग रहे हैं, तो उनसे पूछती है कि आप ठीक तो हैं। विक्रम कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो कॉफी पीने चला जाता है। फ्लाइट जहाँ जा रही होती है यानी कि कोची में, वहाँ पे मौसम खराब हो रहा होता है। कोची में जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है उसका बेटा हाल ही में मरा होता है और उसकी भी तबीयत ठीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो फ्लाइट को कंट्रोल करने चला आता है। कोची के एयरपोर्ट पे फ्लाइट अब लैंड करने वाली होती है, इसीलिए पायलट्स क्लियरेंस के लिए पूछते हैं ATC से। कोची ATC वार्न करती है कि यहाँ पे विजिबिलिटी लगभग 1500 मीटर है और यहाँ पे आपको लैंड नहीं करना चाहिए क्योंकि आपसे पहले जो फ्लाइट आई थी उसे डाइवर्ट कर दिया गया है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे, आपको भी वहीं पे जाना चाहिए। लेकिन विक्रम कहता है कि हम पहले यहीं पे लैंडिंग के लिए अटेम्प्ट करेंगे। विक्रम यहाँ पे लैंडिंग के लिए अटेम्प्ट करता है लेकिन लैंडिंग फेल हो जाती है और ये लोग दोबारा एक गो अराउंड लेते हैं। गो अराउंड का मतलब होता है कि एक चक्कर लगा के दोबारा वापस आना। ATC फिर से इन्हें इन्फॉर्म करता है कि जो फ्लाइट डाइवर्ट हुई थी वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे आराम से लैंड हो गई है, वहाँ पे विजिबिलिटी 3000 मीटर के आसपास है, तो आपको वहीं पे जाना चाहिए। लेकिन विक्रम मानता नहीं है और यहाँ पे फिर से एक लैंडिंग का अटेम्प्ट करता है और ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। तान्या विक्रम से कहती है कि इन्हें बेंगलोर जाना चाहिए क्योंकि कोची से त्रिवेंद्रम की दूरी ज्यादा नहीं है और कोची में मौसम खराब हो चुका है तो वहाँ भी मौसम खराब हो ही चुका होगा, तो हमें बेंगलोर जाना चाहिए क्योंकि बेंगलोर जाने के लिए इन्हें 3300 kg फ्यूल चाहिए होता है और इनके फ्लाइट में 3900 kg फ्यूल होता है, तो ये आराम से जा सकते हैं। लेकिन विक्रम ये कहकर मना कर देता है कि हमारे पास कई लैंडिंग अटेम्प्ट करने के लिए फ्यूल नहीं होगा इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, और ये लोग त्रिवेंद्रम जाने का तय करते हैं। लेकिन त्रिवेंद्रम जाने से पहले विक्रम फिर से एक बार कोची एयरपोर्ट पे लैंडिंग की कोशिश करता है और इस बार भी फेल हो जाता है। इन्हीं सब लैंडिंग की कोशिश में और गो अराउंड करने में इनका 33 मिनट वेस्ट हो जाता है और इनका काफी ज्यादा फ्यूल भी बर्न हो जाता है। अब इनके फ्लाइट में जो फ्यूल होता है वो होता है सिर्फ 3200 kg और त्रिवेंद्रम जाने के लिए इनको जरूरत है 2600 kg फ्यूल की, यानी कि ये लोग आसानी से त्रिवेंद्रम जा सकते हैं। यहाँ पे त्रिवेंद्रम ATC को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे एक साइक्लोन आने वाला है और यहाँ पे भी मौसम काफी ज्यादा खराब होने वाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन ये लोग सभी एयरपोर्ट्स पे भेज देते हैं ताकि वहाँ से कोई भी फ्लाइट इनके एयरपोर्ट पे डाइवर्ट ना हो। लेकिन जो कोची एयरपोर्ट पे कंट्रोलर होता है उसके पास जब ये इन्फॉर्मेशन आती है उसी वक्त इसकी तबीयत खराब हो जाती है और ये इन्फॉर्मेशन ये विक्रम को नहीं दे पाता। यहाँ विक्रम अपनी फ्लाइट लेकर त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है और वहाँ पे डिसेंड करने की परमिशन मांगता है। जब त्रिवेंद्रम ATC देखती है कि इनके एयरपोर्ट पे फ्लाइट आ रही है तो ये लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने मना किया था कि यहाँ पे कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती। त्रिवेंद्रम ATC विक्रम को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है और यहाँ पे ये लोग लैंड नहीं कर सकती क्योंकि विजिबिलिटी लगभग 1300 मीटर के आसपास होती है जो कि कोची एयरपोर्ट से भी कम होती है। लेकिन क्योंकि विक्रम पहले फ्यूल काफी ज्यादा बर्न कर चुका होता है तो यहाँ पे इनके पास ज्यादा फ्यूल नहीं होता और इनको यहीं पे लैंड करना होगा। तो विक्रम त्रिवेंद्रम ATC से कहता है कि इनको यहीं पे लैंड करना है क्योंकि इनके पास सिर्फ 900 kg ही फ्यूल बचा हुआ है। त्रिवेंद्रम ATC इनको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है आप लैंडिंग की कोशिश कर सकते हैं। जब विक्रम प्लेन को लैंड करने की कोशिश करता है तो प्लेन लैंड तो होती है लेकिन एयरपोर्ट खत्म हो जाता है और इनको दोबारा फ्लाइट को ऊपर लेना होता है। फ्लाइट दोबारा ऊपर जाती है और ये लोग गो अराउंड लेते हैं लेकिन मौसम और ज्यादा खराब हो जाता है और विक्रम समझ जाता है कि अब फ्लाइट लैंड होने वाली नहीं है। तो विक्रम एक मेडे कॉल देता है और अपनी आंखें बंद करके फ्लाइट को लैंड करने की कोशिश करता है और फ्लाइट फाइनली लैंड हो जाती है एयरपोर्ट के बिल्कुल लास्ट टिप पे जाके, क्योंकि उसी टिप के तुरंत बाद ही एक खाई होती है। पूरे 150 पैसेंजर की जान बच जाती है लेकिन उसी फ्लाइट में एक महिला भी होती है जो कि काफी ज्यादा बूढ़ी होती है, उसको एक हार्ट अटैक आता है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि पायलट्स ने मेडे कॉल दिया था तो इन पे जांच शुरू हो जाती है। DGCA के लोग एयरपोर्ट पे इनके फोन्स को ले लेते हैं और इनका मेडिकल कराते हैं।
और AAIB यानी कि एयरलाइंस एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से नारायण बेदान, जिनका रोल किया है अमिताभ बच्चन ने, वो एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो विक्रम का केस लेते हैं। स्काईलाइन एयरलाइन जिसकी फ्लाइट विक्रम उड़ा रहे होते हैं, वो लोग विक्रम के पास अपना एक लॉयर भेजते हैं और कहते हैं कि विक्रम को ज्यादा मुंह नहीं खोलना है और काफी कम चीजें ही बतानी है। और इसके बाद विक्रम पे कार्रवाई चालू होती है और कोर्ट केस होता है। अब मूवी में तो इस सीन को काफी ज्यादा स्ट्रेच किया गया है, लेकिन हम इसको आपको बिल्कुल शॉर्ट में समराइज कर देते हैं। तो विक्रम से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपने फ्लाइट और वेदर रिपोर्ट नहीं पढ़ी। तो विक्रम उनके सामने ही पूरी रिपोर्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना देता है, क्योंकि विक्रम के पास आपको याद होगा कि फोटोग्राफिक मेमोरी थी, तो इसलिए उसे सब कुछ पेज बाय पेज याद होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपने फ्लाइट के दौरान ड्रिंक किया था, क्योंकि डस्टबिन से कुछ बोतलें मिली थी जिसको सिर्फ क्रू ही एक्सेस कर सकता है। तो विक्रम कहता है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, आप उसे चेक कर सकते हैं। एक्चुअली जो मेडिकल डिवाइस थी वो खराब थी, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट के बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता। तो नारायण वेदांत इस बात पे कहते हैं कि आपका लाइट डिटेक्टर टेस्ट होगा, और जब लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है तो उसमें विक्रम पास हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि विक्रम ने शराब नहीं पी थी। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपने पार्टी की थी और उस पार्टी में दारू पी थी, ये जानते हुए कि आपकी कल फ्लाइट है। तो विक्रम कहता है कि एस पे रूल वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि फ्लाइट के 12 घंटे पहले आप दारू पी सकते हैं। चौथा सवाल ये होता है कि उन्होंने बेंगलोर को चूज नहीं किया, ये जानते हुए कि त्रिवेंद्रम में मौसम खराब है। इस पे विक्रम कहता है कि पायलट डिसीजन ATC की रिपोर्ट्स पे लेते हैं, और ATC ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी थी कि त्रिवेंद्रम में मौसम खराब है। अब सवाल ताने अलवर काकी से किया जाता है, और यहाँ पे वेदांत नारायण से कुछ हार्ड क्वेश्चन और गुस्से में पूछ देते हैं, जिसकी वजह से ताने अलवर काकी कुछ ही सवालों के बाद से टूट जाती है और वो बोल देती है कि हाँ, फ्लाइट लैंडिंग के दौरान विक्रम की आंखें बंद थी। तो अगला सवाल विक्रम से पूछा जाता है कि आपने बिना विजिबिलिटी के अपनी आंखों को बंद करके फ्लाइट को लैंड किया। तो विक्रम कहता है कि मैंने इस एयरपोर्ट पे काफी फ्लाई किया हुआ है, और स्काईलाइंस एयरलाइंस पे काम करने से पहले मैं भी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, और उस एयरलाइंस की डेस्टिनेशन हमेशा से यही होती है, तो यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा फ्लाई किया हुआ है, काफी ज्यादा लैंडिंग की है, तो मैं अपनी आंखें बंद करके भी यहाँ पे लैंडिंग कर सकता हूँ। तो नारायण वेदांत कहता है कि आप इसे प्रूव नहीं कर सकते, अगर आप प्रूव कर दे तो हम मान जाएं। तो विक्रम कहता है कि मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ, मुझे फ्लाइट सिमुलेटर चाहिए। तो अब फ्लाइट सिमुलेटर में बिल्कुल वैसा ही मौसम बनाया जाता है, वैसा ही सब कुछ किया जाता है, वैसे ही सारे फिजिक्स को लगाया जाता है, और वहाँ पे विक्रम फ्लाइट को लैंड करके दिखा देता है। और यहाँ पे कोर्ट ये डिसाइड करता है कि विक्रम और ताने अलवर काकी के लाइसेंस को 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाए, और स्काईलाइंस एयरलाइंस पे जांच की जाए, क्योंकि इन्होंने फ्यूल कम भरा था। और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस फिल्म को देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पे स्टोरी क्रैप सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।